ओके, तो करते हैं हम क्वेश्चन। प्रेजेंट के चारों टेंसेज के अंदर क्वेश्चन वर्ड को कैसे यूज करना है। क्वेश्चन वर्ड का मैंने आपको बता दिया था, व्हाट का मतलब क्या, व्हाई का मतलब क्यों, ठीक है, और व्हेन का मतलब कब, वेयर का मतलब कहाँ, हाउ का मतलब कैसे। और बस चलो ये करते हैं, उसमें एक और जोड़ देते हैं, हुम लगा देते हैं। क्या करते हैं, हुम, और एक हुम। हुम का मतलब किसे और हुम का मतलब कौन करता है, राइट। अब इनको कैसे बनाना सेंटेंसेस को, पहली बात तो प्रेजेंट सिंपल का पहचान क्या है, उसमें ता है, ते है होता है। जैसे कुछ लिखा है, मैं आपको दो, सॉरी, आप क्या करते हैं या आप क्या करते हो, दोनों तरीके से कह सकते हैं। तो इसके अंदर पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, हमने बताया क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर डू या हेल्पिंग वर्ब, डू या डज, फिर क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें एस भी नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि डू डज आ गया ना, उसके बाद केवल फर्स्ट फॉर्म आती है, और फिर ऑब्जेक्ट। तो देखिए, जैसे आप क्या करते हैं, तो व्हाट क्वेश्चन वर्ड हो गया, डू लगाया हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में, सब्जेक्ट है यू, और करने का फर्स्ट फॉर्म डू होता है, व्हाट डू यू डू। आप क्या बोलते हैं, क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू स्पीक। ओके, आप क्या खाते हैं, व्हाट डू यू ईट, राइट, क्लियर है। ओके, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे बढ़ाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब उसमें जो पॉजिटिव है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो सब्जेक्ट लिखते हैं, आई, आई के साथ एम यूज होता है, ही के साथ ही इज आएगा, और यू के साथ आर आता है। तो आई एम, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, आई एम टीचिंग, ऑब्जेक्ट यू, आई एम टीचिंग यू। ओके, अब क्वेश्चन करना, तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, तो इसके अंदर आपका आ जाएगा व्हाट क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। ओके, और फिर हेल्पिंग वर्ब जो इसमें एम है वो आई से पहले हो जाए, इसको इन्वर्जन बोलते हैं, उल्टा हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है, इसको इन्वर्जन कहा जाता है। तो व्हाट इसमें आप क्या बोल रहे हैं, तो व्हाट आर यू स्पीकिंग, अब मैं आपको क्या पढ़ाता हूं, क्या हो जाएगा, व्हाट एम आई टीचिंग यू, और मैं आपको इंग्लिश क्यों पढ़ा रहा हूं, तो व्हाट, व्हाई एम आई टीचिंग यू इंग्लिश, व्हाई एम आई टीचिंग यू इंग्लिश, क्लियर है। ओके, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें कैसे क्वेश्चन बनाना है। तो उसका जो फॉर्म होती है, सब्जेक्ट हैज या हैव, जिसके साथ इज लगाया आपने प्रेजेंट सिंपल में, वहां पर हैज आना है, यानी ही सी इट, और कोई भी अगर एक नाम है उसके साथ क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, बाकी सबके साथ हैव लगाते हैं। और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, लेकिन इसका ग्रामेटिकल नाम होता है पास्ट पार्टिसिपल। जैसे गो है, तो गो फर्स्ट फॉर्म है जिसको हम प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, वेंट सेकेंड फॉर्म है जो पास्ट फॉर्म होती है, और गोन थर्ड फॉर्म है जिसका एक्चुअल नाम होता है, ग्रामेटिकल नाम होता है पास्ट पार्टिसिपल। तो यहां पर क्या यूज करना प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म। ओके, देखिए, जैसे राम कहाँ गया है या कहाँ चला गया है, कुछ ही बोलेंगे, तो जाने की क्या लगेगी इसमें, थर्ड फॉर्म। तो जाने का क्या होता है, गो, वेंट और गोन यूज होगा, सब्जेक्ट है इसमें राम, लेकिन कहां सबसे पहले, सबसे पहले यूज करेंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, राम के साथ क्या आता है, हैज, तो राम से पहले हैज आ गया, वेयर राम हैज, सॉरी, वेयर हैज राम गोन, वेयर हैज राम गोन, आपने क्या खाया है, तो क्या कहेंगे, व्हाट हैव यू ईटन, आपने क्या देखा है, व्हाट हैव यू सीन, आपने क्या बोला है, व्हाट हैव यू स्पोकन, क्लियर। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। अब लास्ट हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हिंदी समझ लो, जो कंटिन्यूअस में हिंदी होती वही होती है, इसमें क्या होता है, टाइम और ऐड हो जाता है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम तब यूज करते हैं जब बात कर सक करते समय कोई काम हो रहा होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया। लेकिन इसमें टाइम ऐड कर दूं मैं, कि मैं आपको 2 महीने से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं करेंगे, जो 2 महीने आ गया ना, इसे टाइम फैक्टर आ गया, तो हम इस पे करेंगे प्रेजेंट, मतलब जो काम पास्ट में शुरू हुआ 2 महीने पहले और अब भी जारी है, तो उसके अंदर हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
तो उसकी जैसे मैं पढ़ा रहा आपको, दो महीने से पढ़ा रहा हूं, तो सब्जेक्ट यूज करूंगा आई, आई के साथ फिर हैव लगाऊंगा, हैव के साथ बीन लगाऊंगा, बी डब्ल्यू एन बीन, और फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश, दो महीने से, काउंटेड पीरियड हो तो फोर लगाते हैं, ठीक है। और मैं कहूँ आपको मैं जून से पढ़ा रहा हूं या मई से पढ़ा रहा हूं, तो सिंस मई या सिंस जून आता है, तो टाइम काउंट करके बताते हैं कितना टाइम से, जैसे दो घंटे से, दो दिन से, चार साल से, तो फिर हम फोर लगाते हैं। तो इसमें क्या होगा, आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर टू मंथ्स, फॉर टू मंथ्स। अब क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे हम, क्वेश्चन वर्ड जैसे लगाते हैं वैसे सबसे पहले आएगा, और इसमें जो वर्ब है कौन सा है, हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, तीन वर्ड है। तो हमने इन्वर्जन किसका करना होता है, जो सबसे पहला होता है, तो इसमें हैव सबसे पहला है, उसको सब्जेक्ट से पहले लेंगे। जैसे समझे मैं आपको दो घंटे से पढ़ा रहा हूं, ये कहना है, तो क्या पढ़ा रहा हूं, तो व्हाट लगाया उसमें था आई हैव बीन टीचिंग, तो हैव ये हैव पहले आ गया, इन्वर्जन इन्वर्जन कर दिया, व्हाट हैव आई बीन टीचिंग यू फॉर टू आवर्स, क्लियर है। ये कहना हो कि आप सुबह से क्यों सो रहे हैं, आप सुबह से क्यों सो रहे हैं, तो क्यों के लिए क्या लगाते हैं, वाई लगाते हैं। अब यू के साथ क्या आता है, हैव, आईएनजी आर नहीं आएगा, सुबह से बोलो ना, तो कंटिन्यूसली परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करना है। आप क्यों सो रहे हैं, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस, वाई आर यू स्लीपिंग, लेकिन सुबह से क्यों सो रहे हो, तो फिर हम लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, और उसमें लगाते हैं तो वाई, फिर क्या हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैव, वाई हैव यू, फिर बीन लगेगा, फिर स्लीपिंग आएगा, वाई हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। नो, आप सुबह से काम क्यों नहीं कर रहे हैं, अब नहीं भी आ जाए तो क्या करना है, हाँ, वाई हैव, आप आर नहीं लगाना है, वाई हैव यू नॉट बीन, नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, क्लियर, समझ में आ गया। ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस।